स्वागत है दोस्तों अबू धाबी सस्टेनेबिलिटी वीक में, अभी तक का सबसे बड़ा इवेंट जिसमें हमें इनवाइट किया गया है। बहुत सारे देशों के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स इस इवेंट में आज आए हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोरक्को, प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा, प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ सेशेल्स, प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान। और ये है कॉन्क्रीट का अल्टरनेटिव, भिंडी से बनाई टेस्ला गाड़ी भी यहाँ रखी हुई है शो ऑफ के लिए। आइए एक्सप्लोर करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा कॉन्फ्रेंस सेंटर है, यहाँ से शुरू होता है, इस पॉइंट से वहाँ वहाँ तक जा रहा है, फिर वहाँ बीच में और यहाँ 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 यहाँ, या पूरी यू शेप इतनी बड़ी सब जगह, सिर्फ यही अबू धाबी सस्टेनेबिलिटी वीक चलने लग रही है। Brinksmanship is over. Humanity faces stark but clear choices. If we kill the heart, we are forced. ये ADSW पहला इवेंट है COP27 के बाद जो राह दिखाएगा COP28 की तरफ, जो कि इसी साल के एंड में UAE में होस्ट किया जाएगा। This year's ADSW carries a special significance because it is the year that we host COP28 in a critical decade for climate progress. इन्हें अगर आप नहीं जानते, ये हैं डॉक्टर सुल्तान अल जाबिर, मास्टर कंपनी के चेयरमैन और सीईओ फाउंडर। मास्टर कंपनी इस पूरे इवेंट को होस्ट कर रही है, दुनिया की लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज में से एक है, और इसके अलावा इन्हें अभी रिसेंटली COP28 का प्रेसिडेंट भी अपॉइंट किया गया। 10 से ज्यादा कॉप्स का ये ऑलरेडी पार्ट हो चुके हैं और बान की मून ने इन्हें चैंपियंस ऑफ द अर्थ का भी अवार्ड दिया था। डिस्पाइट द प्रोग्रेस दैट द वर्ल्ड इज मेकिंग, वी नीड टू बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स। वी आर way off track. We need to go much further and much faster. एक बहुत ही बड़ा इवेंट है, यहाँ पर अलग अलग जगह पे एक्सपोज लगा रखे हैं। एक सोलर का एक्सपो है, एक विंड का है, एक वाटर का है, और शुरू करते हैं इन सबको एक्सप्लोर करना यूथ वाले से। ये है यूथ फॉर सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पर यंग स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ पे नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजीज दिखा रहे हैं, और बड़ी ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं कुछ, जैसे कि ये है डेट पाम वेस्ट से बनी बायोडिग्रेडेबल कटलरी। बिल्कुल प्लास्टिक जैसी है हार्डनेस में, लेकिन इसे बायोडिग्रेडेड होने में सिर्फ एक साल का समय लगेगा। और ये है सस्टेनेबल कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट का ऑल्टरनेटिव जो बना है एक्चुअली में यूली की फेवरेट सब्जी से, भिंडी से बना है। Taste test? No, not today maybe. Not today. Okay, next time. ये बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है, यहाँ पर दिखा रखा है कि कौन सी कंट्री जब अपने एमिशन को कंट्रोल करेगी, कितना रिड्यूस करेगी, हम नंबर इनपुट कर सकते हैं, तो क्लाइमेट चेंज कितना देखने को मिलेगा दुनिया में। तो इन नंबर्स के हिसाब से 2100 ईयर तक प्लस 2.4 डिग्रीज बढ़ जाएगा टेम्परेचर दुनिया भर में। सोलर और एनर्जी उस तरफ है, इको वेस्ट इस तरफ है, और वाटर इधर है। तो वाटर एक्सपो से शुरुआत करते हैं। पीछे है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। अब हैरान हो जाओगे जानकर, नेचुरल बायोडाइवर्सिटी के नाम पर, वैसे तो यूएई में मोस्टली आपको डेजर्ट्स मिलेंगे, लेकिन मैंग्रोव्स यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोसिस्टम का कोस्टल एरियाज में। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कल ही हमने मैंग्रोव्स में कायाकिंग करी थी। तो ये यहाँ की नेचुरल बायोडाइवर्सिटी का एक बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और इनका प्लान है कि और ज़्यादा मैंग्रोव्स प्लांट किए जाएं। ये एक बड़ी कूल टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये जो टीवी स्क्रीन है ये कोई प्रोजेक्टर नहीं है, यहाँ पे कंप्यूटर है जिसे टच किया जा सकता है, टच स्क्रीन है और ट्रांसपेरेंट टच स्क्रीन है। इसके पीछे देखो मेरा हाथ दिख रहा है आपको, कभी देखा है ट्रांसपेरेंट टच स्क्रीन? दूसरी तरफ से जाओगे तो पीछे का सब कुछ दिखता है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है लेकिन पीछे का सब दिखता है। Have you ever seen such a technology? Not until now. Wow.
मास्टर वो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जो इस पूरी समिट को होस्ट कर रही है। 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इसके प्रोजेक्ट्स हैं, यूएई, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, बहुत सारे देश हैं और बहुत सी अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ में इसके प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, सोलार, विंड, वेस्ट टू एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन। He's so happy to see you. He's sleeping. Now it woke up. Yeah. Hello. Oh, he likes you. Come now. It's finding its own way. Wow. If you block its way. You know, when the robots fight against humans, I'll be the first one to be killed. सोलार के सेक्शन में इंडिया की भी कुछ कंपनीज हैं। हम I've never seen so many different types of solar panels. There are two main types of technologies for these, and this is the one which is called photovoltaics one. It uses the light, and these ones use the heat. They concentrate and collect the heat with solar thermal power. Germany ne to yahan apna pura pavilion bana rakha hai, jaise wo Expo 2020 mein tha. So I got a pretzel. Let's see if the German pavilion actually has anything interesting. यहाँ एक इंटरेस्टिंग कंपनी है जो बिल्डिंग के मटेरियल बनाती है पॉपकॉर्न से। और जूम इन करके देखो, ये एक्चुअली में पॉपकॉर्न की ये ग्रेन रखा हुआ है यहाँ पीछे। Highly stable and tough. Yeah. No, not you. The solar panel. I thought I had spotted a second German flag here, but it's just the safety protocol. आप सोचोगे कि यूएई जैसे देश में जो इतना फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, यहाँ पर एक सस्टेनेबिलिटी के ऊपर कॉन्फ्रेंस कैसे हो रही है? वो इसलिए दोस्तों क्योंकि इस रीजन में यूएई पहला देश था पेरिस एग्रीमेंट को साइन करने वाला, और पहला देश था ये नेट जीरो बाय 2050 स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव अनाउंस करने वाला। टेस्ला गाड़ी भी यहाँ रखी हुई है शो ऑफ के लिए। ये वाली तो हमने अमेरिका में चलाई थी, मॉडल 3 रेड कलर में। बहुत से लोगों ने अपने ऑयली खाने के हाथ यहाँ पे लगा रखे। सब खाना खा के आके सबको दरवाजे ही खोलना होता है। Okay, let's see how much back space it has. Comfortable? Economy class seat in airplane has more leg space than this, but it's comfortable. Wish you a good drive home. यहाँ कार ड्राइव करते करते हम नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, यूट्यूब पे अपने खुद के वीडियोस देख सकते हैं। चलो रहने दो, अभी मन नहीं कर रहा। Oh, in the red car now. What are you watching? I'm watching an interesting vlog. Wow, that's such an inception. Vlogception हो गया है। यहीं छोड़ देते हैं अगर किसी और को देखना होगा तो। This is business. बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं इस इवेंट में, जैसे कि ये हैं अजरबैजान के प्रेसिडेंट। I'd like to express gratitude to the president of UAE. और अब साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यहाँ पर। को चाइल्ड डेथोंग्योंग में तुसरो उन्शिल गैस 감축 경로를 반영한 국가 탄소 중립 녹색 성장. इस सेरेमनी में सस्टेनेबिलिटी प्राइजेस दिए जाएंगे अलग अलग कैटेगरीज में, ऐसे लोगों को और ऑर्गेनाइजेशंस को जिन्होंने एनवायरनमेंट को लेकर बहुत अच्छा काम किया है। आई एम वेरी क्यूरियस टू सी व्हिच स्कूल, व्हिच कंपनी, व्हिच प्रोजेक्ट विल विन व्हिच कैटेगरी एंड व्हाई। यहाँ पर पहला सस्टेनेबिलिटी प्राइज दिया जा रहा है हेल्थ के फील्ड में, इन ऑर्गेनाइजेशंस में से कोई विनर होगा। एंड द विनर इज Associação Expedicionários da Saúde Brasil. Entrepreneurs benefiting over 8,000 rural households. Neurotech from Jordan for deploying an energy optimization solution designed for refugee camps. Solar kiosk solutions from Germany for providing rural off-grid communities with electricity. And the winner is
Fundación Biosterre y Cam Ubate. DACA Residential Model College. Use this visibility towards growing our impact positively to the planet. The prize has inspired young minds to believe that any action, small or big, can make a difference. We are farming insects and we process them into premium ingredients. After the awarding, we will be inviting some of our other esteemed guests up for a group photo. Here are Ghana and Tonga's prime ministers. We'd now like to invite up our first winner for the day in the health category. Asociação Expedicionários da Saúde. ये रहे सारे विनर्स जो इस प्राइज को जीते हैं अलग अलग कंट्रीज से. ओपनिंग सेरेमनी ख़त्म हो गई है, सब लोग यहाँ से चले गए, लेकिन विनर्स अभी भी स्टेज पर ही हैं. तो ये सही मौका होगा थोड़े विनर्स से बात करने का जो इस प्राइज़ को जीते हैं, स्पेशली अपने साउथ एशिया के जो नेबर्स हैं, क्योंकि बांग्लादेश और नेपाल से काफ़ी नॉमिनेशन आए थे. I'm Anafilman from Dhaka Residential Model College. आपको हिंदी आती है? आपको थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है. अच्छा, हिंदी में बोलोगे तो बेटर है व्यूअर्स. I'll try. मैं कोशिश करूंगी. आप अपना प्रोजेक्ट जो है आपका जिसके लिए आप प्राइज जीते हो, क्या उसे दो लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो व्यूअर्स के लिए? So basically we plan to shorten the germination time. We plan to promote the seedling growth. The ultimate aim of us is just to combat the global food problem, you know. So you try to shorten the germination time of the seeds. What message would you like to give to the youth of South Asia? The South Asian people are the brilliant background. Those people have the brain, but don't get the opportunity. आपको हिंदी आती है? Yeah. कुछ कुछ, yeah. कुछ कुछ आती है, तभी वीडियो देख पाते हो. So what we are doing is we are trying to completely like replace the chemical fertilizer industry and the agro products that is harmful for environments. And of course, keep watching his videos. So now we can see the names of all the important people who are sitting here, like Prime Minister of Morocco, President of Uganda, President of Republic of Seychelles, President of Mozambique, President of Kazakhstan, Republic of Korea, and the First Lady of Korea. And the President. President of Angola, Ghana, President of Ethiopia. I think we have never come to an event where there were so many important people, yeah. Like so many world leaders, prime ministers and presidents of so many different countries. Yeah. Zambia, prime minister of Tonga. इस कंपनी के सोलर पैनल्स थोड़े इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सोलर पैनल की तरह लगते नहीं है. घर की छत पे ये लगाया तो ऐसा लगेगा कि नॉर्मल छत है, लेकिन सोलर पैनल लगे हैं. You may have heard of Hollywood, Bollywood, but have you heard of Jollywood? I think not. हाइड्रोजन पर चलने वाले ड्रोन्स, ये पूरा एरिया है कॉन्फ्रेंस का. अलग अलग सेक्टर्स, इको वेस्ट, वाटर, एनर्जी, सोलर, स्मार्ट सिटीज, और यहाँ ओपनिंग सेरेमनी हुई थी. एक और इलेक्ट्रिक कार की कंपनी पोलस्टार. टेस्ला जितनी मिनिमलिस्टिक नहीं है ये, लेकिन हमारा यूट्यूब नहीं चल सकता है.